जिसमें काफी नामी खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों में। और एक बार फिर से विशाल का प्रयास लेते हैं, मनोज का काफी अच्छा सेव। ओहो, रंजना का काफी अच्छा लॉन्ग रेंजर शॉट, लेकिन रेफरी का विसिल उससे पहले। नंबर 55
आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में दोनों ही टीम के मेंटोर जॉन्डी सर और युवराज सर कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन देते हुए दोनों ही अपनी टीमों को, क्योंकि काफी पिन टू पिन मैच चलता हुआ, स्कोर लाइन अभी भी 3-3 है। काफी अच्छा सेव जर्सी नंबर 60 हुई मी थोड़ा सा रॉन्ग पड़ते हुए जर्सी नंबर 5 मिल्खा सिंह हाउस के टीम प्लेयर, लेकिन पोजीशन अभी ध्यानचंद के पास, थोड़ी सी गलती तो हुई थी आदर से, लेकिन लगातार अकेले ही प्रयास कर रहे जर्सी नंबर 27 बेनेडिक्ट। इसी बीच पोजीशन में गलती, कोई प्लेयर मौजूद नहीं, एक बार फिर से बॉल पोजीशन, माइंड भी शॉट लेना चाहा लेकिन गोल लाइन से जाती, एक बार फिर से अपनी टीम के प्लेयर मेकर जर्सी नंबर 22 से 5-5-22 गेम को पूरा स्लो कर दिया है यहां पर मिल्खा सिंह हाउस की टीम में। शॉट लेने का प्रयास रहेगा लेकिन थोड़ी सी गहमा गहमी और फाउल कंसीड करने में सक्सेसफुल रही मिल्खा सिंह हाउस की टीम। क्या ये इस एडवांटेज को कन्वर्ट कर पाएंगे, स्कोर लाइन में हमको कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर से स्कोर लाइन रहेगा 3-3। लॉन्ग रेंजर प्रयास लेकिन एक बार फिर से लंबे कद काटी के खिलाड़ी लगातार खलबली मचाते हुए मिल्खा सिंह हाउस की टीम के लिए। एक बार फिर से जर्सी नंबर 22 एज अ प्ले मेकर अपनी टीम के लिए बॉल फीड करते हुए लगातार अपने प्लेयर्स को, थोड़ी सी गहमा गहमी काफी अच्छे ऑफिशियल्स हैं हमारे इस मैच के, मिस्टर बोरिस और मिस्टर सुजल लगातार प्लेयर को इंस्ट्रक्ट करते हुए उनके रूल्स के बारे में। काफी अच्छा सेव लेकिन इसी बीच रेफरी का विसल पहले बच चुका था, काफी अच्छा विसलिंग हमको, काफी अच्छा ऑफिशिएटिंग देखने को मिला है। अच्छा पावर शॉट लेकिन ब्लॉक कर दिए गए एक बार फिर से, इस बार कॉर्नर देखने को मिला, एक बार फिर से रेफरी का विसल, बॉल पोजीशन ध्यानचंद हाउस जर्सी नंबर 27 अजय कौशिक लॉन्ग रेंजर थ्रो को ढूंढने का कोशिश लेकिन ब्लॉक करते हुए हमराज रंजना काफी अच्छा गेम प्ले करती हुई। इसी बीच एक बार फिर से मार्शल थनसोपी काफी अच्छा थ्रो लेकिन रंजना बॉल को कंट्रोल करने में काफी अच्छा प्ले दोनों ही तरफ से हमको देखने को मिला। इसी बीच थनसोपी क्या ये गोल कर पाएंगे, लेकिन ये नन्हे मुन्ने खिलाड़ी काफी अच्छा गोल लाइन सेव, लगातार बेस्ट गोलकीपर के दावेदार हैं अभी तक, ये 6 सेव कर चुके हैं अपने हाफ में। इसी बीच रेफरी का व्हिसल, देखिए हम बता देते हैं ध्यान से, ओहो काफी अच्छा पास रहा था अपने सबसे लंबे खिलाड़ी के लिए, लगातार जर्सी नंबर 27 दबाव बनाने का प्रयास करते हुए मिल्खा सिंह हाउस की टीम पे, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस लाइन मिल्खा सिंह हाउस का, हर कंपटीशन में अपनी डिफेंस लाइन के लिए जानी जाती है मिल्खा सिंह हाउस की टीम, वहीं ध्यानचंद हाउस की टीम काफी अच्छे स्ट्राइकर से भरपूर, डिफेंसिव गलती करी थी जिसकी वजह से 3 गोल कंसीड किए हैं। इसी बीच फिर से 7वां प्रयास, 7वां सेव नन्हे मुन्ने गोलकीपर ध्यानचंद हाउस के, लगातार अपने गोल पोस्ट को बचाए रखा है यहां पर ध्यानचंद के गोलकीपर ने। एक और शानदार सेव
एक और सेव, वाह भैया वाह। कद में छोटे लेकिन दीवार बन के खड़े हैं मिल्खा सिंह हाउस के लिए, काफी अच्छा गोलकीपिंग। अगर ध्यानचंद यहां तक बनी हुई है तो उसमें पूरा सपोर्ट है इस नन्हे मुन्ने गोलकीपर का, काफी अच्छा प्रयास। दूर से लॉन्ग रेंज शॉट ध्यानचंद के बाहुबली, लेकिन मनोज का काफी अच्छा सेव। रेफरी का एंड टाइम विसल और स्कोर 3-3 लगता है हमको। ये फर्स्ट